आज तक जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं दुनिया में, उन सारे लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं साबित किया है, सिद्ध किया है, और इसलिए पुराने ज़माने में उनको सिद्ध पुरुष कहा करते थे और आज के डेट में महान व्यक्ति कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी, एक बार फिर से अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही खास चर्चा करेंगे हम और आप मिलकर महान व्यक्तियों के बारे में, कि महान व्यक्तियों की जीवनी कैसी होती है और क्या महान व्यक्ति को जानने से, समझने से, देखने से, उनको फॉलो करने से अपने लाइफ में भी कुछ चेंज हो सकता है। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत में बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलेगी हर बार की तरह। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तीन तरह के लोग होते हैं, हम लोग को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। हम चाहे तो एक ग्रेट फॉलोअर बन सकते हैं, यानी कि आज तक जितने भी महान व्यक्ति बने हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कुछ ना कुछ सिद्ध किया है अपने प्रोफेशन में। अगर वैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने कुछ समाज को दिया है, या कोई सोशल थिंकर हैं तो उन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा सोचा है, कुछ ऐसा विचार दिया है जिस विचार से आज ये पूरी दुनिया चल रही है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिनको हम लोग जानते हैं, एलन मस्क हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो कामयाबी की शिखर पर पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, दुनिया में सभी लोग कामयाब हो सकते हैं? तो मेरा जवाब ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया इस तरीके से डिजाइन ही नहीं की गई है कि सभी लोग एक साथ कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे और आपके बात करने का मकसद क्या है, बड़ा सिंपल सा मकसद है कि हाँ, ये सच है कि दुनिया के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को खुशियों से भर सकते हैं, कुछ विचारों से और कुछ लोगों को फॉलो करके। देखिए, अगर आप गॉड गिफ्टेड हो या कोई बहुत बड़ा टैलेंट है आपके अंदर, तो आपको अपने आप को साबित करना है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप गॉड गिफ्टेड हो और कोई बहुत अलग यूनिक टैलेंट है आपके पास, तो आपको अपने आप को साबित करना होगा, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से महान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आप को साबित किया था, तो आपको भी अपने आप को साबित करना होगा। दूसरा, अगर आप में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं हो, तो आप कुछ लीडर को फॉलो करके आप अपनी जीवन सुखमय बना सकते हैं। आप ये फॉलो कर सकते हैं कि लीडर ने अपने जीवन काल में क्या क्या अच्छी चीज़ें की थी, क्या क्या ऐसी चीज़ें की थी कि लोग उनको पूछते हैं। हम उस जैसा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ पहलू भी अगर हमारे व्यक्तित्व में आ गया, तो हमारी जीवन खुशियों से भर जाएगी। और तीसरी कैटेगरी है दोस्त, जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बातों को सुनते हैं और इग्नोर मारते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे। तो तीन कैटेगरी है फेलियर की, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बुराई निकालते हैं। दूसरे वो लोग जो बड़े बड़े लीडरों को फॉलो करते हैं, और तीसरे वो ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं जो पूरी दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं। आप इन तीनों में से कौन से शख्स हैं, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और जिस भी तरह के शख्स हैं, मेरा वादा है आपसे कि लगातार हम और आप अगर जुड़े रहते हैं, तो बहुत सारी आपको जानकारी ऐसी मिलती है, बहुत सारे ऐसे सफलता के रहस्य मैं पर्सनली अपने अनुभव से आपको दूंगा, जिससे आप अपने जीवन को 360 चेंज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, अगर ये पसंद आया हो, दिल के आपको टच किया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बस आपसे यही है, भलाई की सप्लाई होती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।